प्रिय साथियों, आज माय कोल माइंस रेगुलेशन ये 121 रेगुलेशन माइन बाउंड्री नियर वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन अंडरग्राउंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये रेगुलेशन भी बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि प्रत्येक माइंड का एक बाउंड्री होता है और उस बाउंड्री के अंदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर जो लीज होल्ड एरिया है उसके अंदर वो काम करते हैं और दोनों के बीच में बाउंड्री को इंटैक्ट रखा जाता है। तो ये रेगुलेशन उसी संबंध है कि वर्किंग नियर माइंड बाउंड्री। अक्सर हम देखा जाता है कि काम करते करते माइंड बाउंड्री में घुस गए, इसीलिए ये रेगुलेशन जो है ये बतलाता है। पहला सब रेगुलेशन एयर फोर मैनेजमेंट फिक्स्ड माइंड बाउंड्री रखेगा। मैनेजमेंट फिक्स्ड माइंड बाउंड्री रखेगा जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के सशर्त एक्सप्रेस परमिशन किए बिना नहीं बदलेगा। प्रत्येक माइंड में मैनेजमेंट एक बाउंड्री रखेगा जो कंडीशन के साथ चीफ इंस्पेक्टर लिखित एक्सप्रेस परमिशन देगा तभी बदलेगा, नहीं तो उस बाउंड्री को कोई नहीं बदलेगा। बाउंड्री जब हम दो माइंड मर्ज करते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये बाउंड्री को छूने का किसी का अधिकार नहीं है, विशेषाधिकार चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को है। पहला रेगुलेशन क्लियर बोलता है कि प्रत्येक माइंस में बाउंड्री होगा और ये बाउंड्री रखेगा और वो बाउंड्री चीफ इंस्पेक्टर माइंस के सशर्त एक्सप्रेस परमिशन के बिना नहीं बदले। क्लियर, ये अंडरग्राउंड की चर्चा हो गई। दूसरा सब रेगुलेशन है गहराई के अनुसार निर्धारित पिलर के आधा दूरी के अंदर कार्य नहीं करेंगे। अब एक प्रश्न, जब हम अंडरग्राउंड वर्किंग करते हैं तो पिलर का साइज डेप्थ के अनुसार रेगुलेशन में निर्धारित है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है पिलर का साइज बड़ा होता है, तो डेप्थ के अनुसार वही चीज है, गहराई के अनुसार जो निर्धारित पिलर के साइज है उसके आधा दूरी के अंदर कार्य नहीं करेंगे। आधा दूरी के अंदर कार्य नहीं करेंगे। दोनों माइंड के बाउंड्री को लेकर के विवाद है, विवाद में कोर्ट करेगा। कोई विवाद है तो उस विवाद में जो बाउंड्री को निर्धारण कोर्ट करेगा। कई सीन में कार्य होने पर बाउंड्री बैरियर वर्टिकल कॉन्साइड रहेगा। यदि कई सीम एक लीज होल्ड एरिया है, कई सीम हो, एक सीम ऊपर है, दूसरा उसके नीचे है, तीसरा उसके नीचे है, तो उस स्थिति में जो बाउंड्री होगा वो वर्टिकली कॉन्साइड करेगा सभी सीम। क्लियर, कई सीम में कार्य होने पर कई सीम में कार्य होने पर बाउंड्री वर्टिकली कॉन्साइड रहेगा। क्लियर, यदि कार्य एक्सटेंड बाउंड्री के अंदर हो गया तो कभी कभी आप कार्य हम कर रहे हैं अंडरग्राउंड और बाउंड्री के अंदर चला गया कार्य तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस CIA प्रोटेक्टिव वर्क को कहेंगे, तब प्रोटेक्टिव वर्क बनाना होगा। और जो रेगुलेशन 120 में जो बताए थे प्रोटेक्टिव वर्क कैसे करना है तो वो प्रोटेक्टिव वर्क को कहेंगे। ठीक है, तीसरा, बिना चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के किसी भी हाल में वर्किंग, ये ऊपर वाले जो नियम है उपरोक्त नियम के विरुद्ध नहीं होगा।
तो ये हुआ माइंड बाउंड्री, वर्किंग नियर माइंड बाउंड्री इन अंडरग्राउंड संबंधी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ओरल में ये पूछा जाता है कि बाउंड्री संबंधी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्या है, आप बाउंड्री के नजदीक वर्किंग करेंगे तो आपका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्या क्या है। तो उस स्थिति में एक छोटा सा रेगुलेशन है जिसमें तीन सब रेगुलेशन है, ये क्लियर समझ लेना चाहिए कि बाउंड्री हर माइंस का होगा और इस पर चीफ इंस्पेक्टर का विशेषाधिकार है, इसके अनुसार चेंज नहीं होगा। दूसरा है गहराई के अनुसार हम हाफ पिलर के अंदर रेंज से गहराई के अनुसार निर्धारित पिलर के आधी दूरी के अंदर कार्य नहीं कर सकते। विवाद में कोर्ट करेगा कई सीम में कार्य होने पर बैरियर वर्टिकली कंसाइड है, प्रोटेक्टिव वर्क यदि कार्य अंदर घुस गया है तो प्रोटेक्टिव वर्क के लिए चीफ इंस्पेक्टर है। और तीसरा है पॉइंट कि कोई भी हाल में ये लेजिस्लेशन ऊपर जो नियम है उसको नहीं तोड़े। धन्यवाद।